हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड डिजाइन्स में। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिजाइन, जिसे हम फ्रिल के साथ रेडी करेंगे। तो ये सिंपल सोबर भी होगा और बहुत ही ब्यूटीफुल भी रेडी होगा। तो आप ये मेरी वीडियो एंड तक देखें। अगर आपको मेरा ये डिजाइन और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैं डिजाइन बनाने जा रही हूँ फ्रिल वाला, वो वी नेक पे होगा। तो चलिए हम बुकरम से अपना वी नेक कट कर लेते हैं। तो मैंने ऐसे बुकरम ली है नेक कट करने के लिए और इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने नेक की ब्रॉडनेस लेंगे, यानी कि चौड़ाई। तो चौड़ाई में यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आप लेना चाहते हो उतनी ले सकते हो। नॉर्मल नेक की जो चौड़ाई होती है वो 6 इंच होती है, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच ली है। और 7 इंच को हम ऐसे, यानी कि 3.5 को हम ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेते हैं। और अब डीप तो हमने नेक का यहां से ही लेते हैं। नॉर्मली नेक की जो डीपनेस है हम यहीं से लेते हैं तिरछे में। तो इस तरीके से हम यहां से लेंगे। मैंने 6.5 इंच रेडी करना है, तो मैं यहां पे 7 इंच पे मार्क करूंगी। 6.5 इंच मुझे रेडी करना है, 7 इंच पे मार्क कर रही हूं क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाइयों में दब जाएगा। तो 6.5 इंच हमारा ये रेडी आ जाएगा। अब हम इसको भी सीधा सीधा मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये लगभग 6 इंच पे आ रहा है, तो ऐसे ही 6 इंच को भी हम सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो मुझे इस पे वी नेक ड्रॉ करना है। वी नेक को हम अपने अकॉर्डिंग आप शेप दे सकते हैं। मैं थोड़ा राउंड में शेप दूंगी वी नेक की। धीरे धीरे आप पहले शेप दे लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप उसके अकॉर्डिंग इसको कट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग वी नेक की शेप दे सकते हो। आप चाहो तो सीधा भी दे सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा राउंड में भी दे रही हूं। तो अब हम बाहर वाली मार्किंग भी कर लेते हैं। तो अब हम अपनी मार्किंग के साथ साथ नेक कट कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको इसको खोल के भी दिखा रही हूं। ये देखिए, हमारा जो डिजाइन आएगा वो इस वी नेक के ऊपर आएगा। तो चलिए इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक का अब हमारा कट चुका है। अब हम उसके लिए फ्रिल रेडी कर लेते हैं। तो फ्रिल के लिए ऐसे मैंने ये पीच कलर का फैब्रिक लिया है और लगभग मैंने इसको 2.5 इंच चौड़ा लिया है। लेंथ में आप मीटर से 1.5 मीटर तक ले सकते हैं गले की अकॉर्डिंग, क्योंकि जब ये रेडी होती है फ्रिल तो कम रह जाता है, इसलिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है ये लेंथ में। और चौड़ाई में मैंने आपको बताया कि मैंने 2.5 इंच लिया है। और इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके प्रेस भी कर लिया है। तो ऐसे ही हमें फ्रिल रेडी करनी है इसकी। तो जब हम इस पे प्लेट्स डालें, ये खुले ना, इसलिए हम यहाँ पे एक रफ स्टिच कर लेते हैं पहले ऊपर वाली साइड की तरफ। तो देखिए, यहाँ ऊपर वाली साइड की तरफ हमारी रफ स्टिच लग चुकी है। अब हमने इसमें प्लेट्स डालनी है। तो प्लेट्स हम इस तरीके से डालेंगे, ऐसे 1/2 इंच की हमें प्लेट्स डालनी है इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो ऐसे हमने प्लेट्स डालते जाना है, बिल्कुल इक्वल साइज में आप अपनी प्लेट्स डालें 1/2 इंच के गैप पे। तो बस ऐसे ही प्लेट्स डालते हुए हमें अपनी फ्रिल को रेडी कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी फ्रिल को पूरी तरह से रेडी कर लिया है और इसको मैंने प्रेस भी कर लिया है, अच्छे से बिठा भी लिया है। और ऊपर से फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे इंटरलॉक भी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको अपने नेक के ऊपर स्टिच करते हैं। तो ये जो नेक मैंने कट किया था, मैंने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग के साथ चिपका लिया है, क्योंकि हमें इसके ऊपर कोई भी सिलाई नहीं दिखानी और ये बाहर की तरफ आएगा पलट के, इसलिए मैंने इसको पेस्टिंग के साथ चिपकाया है फैब्रिक के ऊपर। और यहां से फोल्ड भी कर लिया है बाहर से, ये देखिए बिल्कुल किनारे किनारे से मैंने इसको फोल्ड भी कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर अपनी फ्रिल को स्टिच करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुर्ती का सेम फैब्रिक लिया है नेक के लिए और इसको हमने फ्रिल को ऐसे स्टिच करना है बाहर की तरफ इस तरीके से। तो फ्रिल को हमने ऐसे नीचे रखते हुए स्टिच करना है और यहाँ पे बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। अब आप यहाँ पे जितने भी फ्रिल दिखाना चाहते हो उतनी दिखा सकते हो। अगर बड़ी दिखाना चाहते हो तो बड़ी भी दिखा सकते हो, अगर छोटी दिखाना चाहते हो तो छोटी भी दिखा सकते हो। मैं सिर्फ 1/2 इंच की ही दिखाऊंगी। तो ऐसे हमने किनारे की सिलाई के साथ फ्रिल को स्टिच कर लेना है नेक के नीचे रखते हुए।
तो आप ऐसे कोने से फिनिशिंग के साथ फ्रिल को घुमा लें। तो ये देखिए फ्रिल हमारी ये स्टिच हो चुकी है नेक के ऊपर। अब हम इसको अपनी कुर्ती के ऊपर स्टिच करेंगे। तो कुर्ती की हम ऐसे उल्टी साइड लेंगे, ध्यान में रखें उल्टी साइड लगानी है कुर्ती की, और नेक को भी ऐसे हमने उल्टा करके ही रखना है। तो अब हम इनके सेंटर में एक रफ स्टिच कर लेते हैं ताकि नेक हमारा इधर उधर हिले ना। उसके बाद बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई। तो ऐसे देखिए बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। तो ऐसे आप एक से दो पैर का मार्जिन लेते हुए इसको कट कर दें एक्स्ट्रा फैब्रिक को बीच में से। तो अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं, सबसे पहले सेंटर में। ध्यान में रखें आपकी सिलाई ना कटे। तो देखिए कट्स भी लग चुके हैं। अब हम नेक को सीधी साइड की तरफ पलट देते हैं। तो ऐसे इसको हमने कुर्ती की सीधी साइड पे पलट देना है। तो ये कुर्ती की सीधी साइड है। तो अब हम पहले यहां पे एक किनारी की सिलाई लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे किनारे की सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई और चला देनी है ताकि ये पूरी तरह से कुर्ती के साथ स्टिच हो जाए। तो ये देखिए अब बाहर की भी सिलाई लग चुकी है, और देखिए कितना ब्यूटीफुल और यूनिक नेक डिजाइन हमारा ऐसे बनके रेडी हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय।